प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी एबे एई ईडी रो एक्शन ने थरहर कांग्रेस टीएमसी भली दलर नेता ओ मंत्री माने काहेकि ना एबे धीरे धीरे पदा को आसुचि एमानकर बड़ बड़ हेराफेरी रो सुराग हजार हजार कोटी रो ठकई मनी लॉन्डरिंग एवं हेराफेरी रे एबे संपृक्त बड़ बड़ नेता आ एमानक विरोध रे दृढ़ एक्शन नेउचि ईडी तेबे काहीकि ईडी रो डर एबे समस्तंकु केऊ मामला पई कांग्रेस ओ टीएमसी भली दलर नेता मंत्री एबे छानिया होइछंती केऊ हेराफेरी रे संपृक्त अछंती कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी एवं पुओ राहुल गांधी कोन पई दीदींको टीएमसी पई चिंता बढ़ाइछंती पार्थ चटर्जी एसबु खबर को विस्तार रे बुझिबा एही रिपोर्ट रे एबे ईडी रो लगातार जेरार सम्मुखीन होउछंती कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी आउ सोनिया ओ कांग्रेस पई कंटा साजिछि नेशनल हेराल्ड तबे कौन पूरा मामला आसंतु जानिबा तीन दिन बार घंटा शहे रु अधिक प्रश्न नेशनल हेराल्ड मामला रे फसीथिबा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को एबे प्रवर्तन निर्देशालय रो प्रश्न बाणर सामना करबा को पड़ुछि जुलाई 21 जुलाई 26 एवं जुलाई 27 तीन दिन में शहे रु अधिक प्रश्न तीन दिन मध्य सोनिया ईडी प्राय 12 घंटा जेरा करी समय तदंतकारी संस्था शहेटी प्रश्न पचारिथिबा जनापड़ी नेशनल हेराल्ड खबर कागज एवं यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रे सोनिया भूमिका कौन रही से कथा जानिबा को ईडी प्रयास करी सोनिया गांधी बुधवार प्राय 3 घंटा पचराउचरा परे ईडी कार्यालय रु बाहरी सारिछंती गणमाध्यम रिपोर्ट अनुजाई सोनिया को आगो को आउ हाजर हेबा को पड़िबनी किंतु एहा मध्य कहा जाउची आवश्यक पड़िले एजेंसी तांकु डकाई पारे पचराउचरा समय रे सोनिया तुरंत उत्तर देथिबा गणमाध्यम रिपोर्ट रु प्रकाश पाइछि तबे सोनिया गांधी को पूर्वरु पुओ राहुल को मध्य ईडी जेरार सम्मुखीन होगा पड़ा राहुल गांधी को 5 दिन काल जेरा करा जाइथिला एही समय रे से 150 टी प्रश्नर उत्तर देथिले राहुल एवं सोनिया यंग इंडियन रो सिंहभाग अंशधन निज पाखरे रखिथिले तेणु राहुल एवं सोनिया को बयान मेल खाउची कि नाही ता उपरे ईडी रो अधिकारी माने फोकस करिछंती नेशनल हेराल्ड अर्थ हेरफेर मामलें राहुल को परे सोनिया को जेरा करुछि ईडी जुलाई 21 तारीख परे पुणी मंगलवार एवं बुधवार कांग्रेस रो अस्थायी अध्यक्षा सोनिया गांधी को दिन तमाम ईडी रो जेरा पूर्वरु राहुल गांधी को अनेक थर जेरा सरिया परे एबे द्वितीय थर पई ईडी जेरार सम्मुखीन होइछंती सोनिया पूर्व भली सारा देश रे कांग्रेस एहाकु नै विरोध प्रदर्शन करिछि हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं लेकिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगी अगर विपक्ष मुख हिंदुस्तान बनेगी इसलिए हम विपक्ष मुख हिंदुस्तान कभी नहीं बनने देंगे चाहे मोदी जी और अमित शाह जी जितना इससे ख्वाहिश रखें इस तरीके से लोकतंत्र की प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी उसका प्रोटेस्ट हम प्रेसिडेंट विजय चौक से लेकर प्रेसिडेंट हाउस तक जाएंगे और उनको बोलेंगे कि इसको बंद किया जाए और जो लोकतंत्र की मर्यादा है उसको बहाल किया जाए संविधान की मर्यादा को बहाल किया जाए ईडी का टूल की तरह यूज हो रहा है महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं हो रही सही लड़ रहे हैं और उसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनका भी जो मिस यूज हो रहा है उसका भी हम उनके सामने मुद्दा रखना चाहते थे विभिन्न राज्यर राजधानी में कांग्रेस तरफ विरोध जारी रही बेले दिल्ली में विरोध मंगुआल साजिथिले राहुल दल बल सह कांग्रेस भवन रु राष्ट्रपति भवन आड़ को मार्च करथुवा बेले सुरक्षा दृष्टि रु राहुल को समेत अन्य कांग्रेस नेता को निजो हेफाजत को नेथिला पुलिस परिस्थिति को नजर रे रखी ईडी ऑफिस समेत अन्य केतक स्थान रे व्यापक पुलिस मुतयन कर जायतिला सोनिया राहुल को ईडी रो जेरा नै देशव्यापी एवं संसद भितरे विरोध जारी रहिबो बोली प्रकाश करिछि कांग्रेस तबे कांग्रेस भले विरोधी दलगुड़िक पाखरे कौनसी प्रसंग नाही हजार हजार कोटी टंकार दुर्नीति मामलें सोनिया एवं राहुल जड़ित थिबारु ईडी जेरा करिबा स्वाभाविक बोली कांग्रेस को टारगेट करी कहिछंती बीजेपी रो जातीय प्रवक्ता संबित पात्र अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5000 करोड़ रुपए का गबन होता है
तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है। विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। जमानत पर है, भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर हैं वो गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर, और जांच एजेंसियां उनको जांच के लिए बुला रही हैं। तो देश ये सवाल पूछता है, क्या गांधी परिवार की जाँच ना हो, क्या उनके लिए अलग नियम कानून बने, क्या उनको जाँच के लिए बुलाया जाए तो बवाल वो सड़कों पर करे। और जब जब सोनिया गांधी जी ने टाइम मांगा जांच एजेंसियों ने टाइम दिया, राहुल गांधी जी ने टाइम मांगा उनको तब समय दिया। ये लोग जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर, ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? और जहां दूसरी बात सदन की है उसको इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस जांच से बचने के लिए, गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सड़कों पर बवाल कर रही है और उसको सदन के साथ जोड़ने का काम कर रही है। सर्वसाधारण मालिकाना रे थिबा नेशनल हेराल्ड रो हजार हजार कोटी टंका हड़प्र अभियोग रहिछि सोनिया एवं राहुल को विरोध रे। स्वाधीनता पूर्वरु प्रकाशित होइतिला खबर कागज नेशनल हेराल्ड, जेउथिरे संप्रुक्त थिले जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य किछि स्वाधीनता संग्रामी, किंतु खबर कागजर मालिक थिला ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू मालिक नथिले बा तांकर परपीढ़ी आईनत यार उत्तराधिकारी नुहंती। गांधी परिवार नारे अभियोग, नेशनल हेराल्ड रो हजार हजार कोटी टंकार संपत्ति को गांधी परिवार रो सिंह भाग थिबा कंपनी यंग इंडिया को दिया जाइछि। सुब्रमण्यम स्वामी को केस उपरे निम्न अदालत रु बेल रे अछंती सोनिया एवं राहुल। अर्थ हेराफेरी एवं चंचकता करी सर्वसाधारण को अर्थ हड़प अभियोग रे सोनिया एवं राहुल एबे ईडी तदंतर सम्मुखीन होछंती। नेशनल हेराल्ड मामला को नहीं सरगरम एवं जातीय राजनीति, पुणी प्रवर्तन निर्देशालय खोली नेशनल हेराल्ड मामलार पेड़ी। नेशनल हेराल्ड राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी जेरा परे सक्रिय उठी जातीय राजनीति। तेरे कौन यही नेशनल हेराल्ड मामला, कहीं एत चर्चा, आसतु जाणी। यह मामलें राहुल और सोनिया गांधी केमी फसीगले। नेशनल हेराल्ड कौन? नेशनल हेराल्ड हे एक खबर कागज जहाँ स्वाधीनता पूर्व आरंभ होता 1938 मसीह देशर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यह आरंभ करते। खबर कागज प्रकाशन नेशनल एसोसिएट जर्नल्स नामक एक कंपनी करुला, किंतु यार प्रतिष्ठा 1937 मसीह नेहरू को छाड़ 5000 अधिक स्वाधीनता संग्रामी यह खबर कागज शेयर होल्डर थे। स्वाधीनता संग्राम को नहीं खबर कागज प्रकाश पाला, यार मालिकाना जनक नारे नथिला, खबर कागज को सही पार नथिले ब्रिटिश सरकार। देश को स्वाधीनतार स्वाद चखेबा को दिनराती एक कर देउथिले देशर वीर संग्रामी पो, देश पई जीवन को बलिदान देउथिले, हसी हसी फासी कुंटरे चढ़ीदेले। स्वाधीनता लड़ाई रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला एक खबर कागज। स्वाधीनता लड़ाई रे स्वाधीनता सेनानी स्वर को नेशनल हेराल्ड माध्यम रे लोकों निकट रे पहुंचाउथिले नेहरू, जहाँ खूब आदृति लाभ करथिला। एक खबर कागज रो मुख्य उद्देश्य थिला कांग्रेस रो उदारवादी चिंताधारा को एक मंच प्रदान करबा। नेहरू एथरे संपादकीय लेखि गोरा सरकार को तीव्र समालोचना करते, जहाँ को सही पार नथिले ब्रिटिश सरकार। तेणु 1942 मसीह खबर कागज प्रकाशन पर प्रतिबंधक लगे इंग्रेज सरकार। इंग्रेज सरकार प्रतबंधक को हटाई 1945 पुनः आरंभ होता, किंतु 1947 मसीह देश को स्वाधीनता मिलला पर देशर प्रथम प्रधानमंत्री होगापर बोर्ड अध्यक्ष पदर इस्तफा देते नेहरू। नेहरू को इस्तफा पर यार प्रकाशन बंद हो नथिला, अनेक नामी दामी सांबादिक यार संपादक भाव दायित्व तुलाइले। से समय कांग्रेस नीतिर प्रचार प्रसार कर मुख्य माध्यम पलटि एक खबर कागज। यार मध्य वर्ष 1962 मसीह दिल्ली मथुरा रोड स्थित 5A बहादुर शाह जफर मार्क में 0.3365 एकर जमी को आसोसिएट जर्नाल्स लिमिटेड एजेल को दि जाता, पर प्रेस चल एक कोठा बा भवन निर्माण जो थे स्पष्ट भाव कहला कि यह कौन सी कार्य व्यवहार हो पार ना। पर 2008 मसीह जितेबाला कांग्रेस क्षमतासीन था से समय पुणि थे खबर कागज मुद्रण को बंद कर थिला। कंपनी आर्थिक क्षति सहुता दर्शाई यह को कांग्रेस बंद कर देथिला।
2010 ଏହାର 1057 ଜଣ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଥିଲେ। କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। କମ୍ପାନୀକୁ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହା 2010 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ମହାସଚିବ ସହ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏହାର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 38% ସେୟାର ରାହୁଲଙ୍କ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି କମ୍ପାନୀରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ 38% ସେୟାର ଥିଲା। ବାକି 24% ସେୟାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କର ଥିଲା। ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଜେଲ୍ର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନାମରେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସଦ ଉପାୟରେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ହଡ଼ପ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଖାପାଖି 2000 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। कोर्ट ने वो आदेश दे दिया कि सारा डॉक्यूमेंट्स समन होनी चाहिए। अब समन होने के बाद आप दोबारा इसको कैसे वापस ले सकते हैं, कोर्ट तो नहीं ले सकती। दूसरा है कि इन्होंने जो जजमेंट्स कोर्ट को की कि हमें जो उनका आरोप था कि हम उनको नोटिस नहीं मिला, मैंने कहा वो सिर्फ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करती है। जिस जजमेंट्स को इन्होंने पढ़ी उसमें भी यही लिखा था, परंतु तो उन्होंने जानबूझकर उस पार्ट को पढ़ा नहीं, अपने केस कमजोर हो जाएगी इसके लिए। हमारी दलील ये थी कि माननीय डॉक्टर स्वामी जो अर्जी देते हैं वो कानून के अंतर्गत नहीं है, अनुच्छेद 91 के अंतर्गत ये अर्जी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें उन्होंने किसी रूप से ये सिद्ध नहीं किया है, कहा भी नहीं है कि ये अति आवश्यक या आवश्यक है, ये जरूरी है, ये कौन सा दस्तावेज किस कारण से जरूरी है। और इसके लिए उनको ये भी आवश्यक है कि जब वो ये चीज बताएंगे तो माननीय न्यायालय को दूसरी साइड को यानी हमारी साइड को एक सुनवाई देनी पड़ेगी। तेबे 2008 रे कंपनी जितेबे बंद हेबाको बसथिला से समय खबर कागज संचालन करबाको कांग्रेस नेशनल एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को 90 कोटी ऋण दे यार दायित्व ग्रहण करथिला, किंतु यहा परे भी खबर कागज को चलाई पारनथला नेशनल एसोसिएट लिमिटेड। स्वामी अभियोग करथले कि यंग इंडियन कांग्रेस तरफरु एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को देथिबा ऋण कांग्रेस को परिशोध करबाको चुक्ति करा जैथिला। परे 9 कोटी शेयर किणी यंग इंडियन ए कंपनी रो 99% शेयर हासिल करथिला। यहा पर अचानक कांग्रेस तरफरु एसोसिएट जर्नल्स माध्यम रे यंग इंडियन्स को देथिबा 90 कोटी टंकार ऋण छाड़ करा जैथिला, अर्थात बिना टंका रे यंग इंडियन्स यार मालिकाना हाते पारथिला। ସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଜିଏଲ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର କବ୍ଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ହେରାଫେରି ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦିଦିଙ୍କ ଟିଏମ୍ସିର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ହେରାଫେରିର ସୁରାକ। ଇଡି ସ୍କାନରରେ ଏବେ ଟିଏମ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଦୁର୍ନୀତି ଦରିଆରେ ଉବୁଟୁବୁ ମମତା ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ନଗଦ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଡି ରେ। ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା ହେଲେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ। ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ନିଜ ଇମେଜ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପାର୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ମମତା। ପାର୍ଥ, ଅର୍ପିତା, ମାନିକଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ପଡିବ ଇଡିର ପଞ୍ଜା? ସ୍କାମରେ ମମତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବେଙ୍ଗଲ ବିଜେପି। ଦୀର୍ଘ 500 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ସ୍କାମ କିଙ୍ଗ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ। ଚାରିଆଡୁ ବିରୋଧର ଶିକାର ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମଡେଲ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ଯାଏ ଇଡି ହେପାଜତରେ ରହିବେ ପାର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ
अर्पिता मुखर्जी सेमानक व्यतीत टीएमसी आउ जे विधायक मानिक भट्टाचार्य को मध्य ईडी समन जारी करछि। अर्पिता विभिन्न ठिकणारे थिबा घर जांच करी पांच दिन मध्य 50 कोटी रु अधिक नगद टंका जबत कर सारी ईडी। एहा सह कोटी कोटी टंकार सुना गहना ओ किछि जमी बाड़ीर कागज पत्र मध्य जबत करा जायछि। टंका गणिबा पई काउंटिंग मशीन सह जबत सामग्रीर परिवहन पई बड़ बड़ बाक्स आउ ट्रक रो आवश्यकता पड़ुछि। मॉडल अभिनेत्री रु एबे कैश क्वीन पलटि जायछंती अर्पिता। तबे जबत टंका सुना तांकर नुहे बरं तांको घर को पार्थ बैंक परि व्यवहार करि आसुथिले बोली अर्पिता कहिछंती। ईडी तदंत चलीबू आग को आहरी अनेक एदीरे छंदी हो पारती। यह केवल टीप अफ आइसबर्ग बोली कहिबा सहित ममता का इस्तफा दावी करिछि बेंगल बीजेपी। ये टीप अफ द आइसबर्ग है, ये कुछ नहीं है, टीप अफ द आइसबर्ग है। बहुत सारा पैसा अभी भी बाकी है रेस्क्यू होना, जनता का पैसा है, इन लोगों ने लूटा है। ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन चाहते हम लोग। स्काम रु मिलुतिबा टंका ऊपर तळ जाय जाउतिला बोली अर्पिताक बयान बे सृष्टि करिछि झड़। टंका रे किए भागीदारी थिले ता स्पष्ट हेबा उचित बोली ममता को टारगेट करी कहिछंती केंद्रमंत्री मीनाक्षी लेखी। ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे और अर्पिता के दो बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है। पहला उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। अन्य पक्ष रे पार्थक घोटाला जोगु शिक्षक नियुक्ति रु वंचित होइतिबा अनेक योग्य प्रार्थी आज को प्राय 500 दिन हेबा धारणा रे बसछंती। सेमानक तुरंत न्याय मिलु बोली दाबी करिछंती धारणारत प्रार्थी। যারা চুরি করবে তাদের তারা চাই, আমরা চাই তাদের শাস্তি হোক, কিন্তু আমরা আমাদের নিয়োগ আমরা কি পাবো তাতে? আমরা চাই আমাদের নিয়োগটা হোক এবং অতি দ্রুত হোক। স্কাম কিং পার্থক সম্পত্তিকে নিয়ে এবে চর্চা। কলকাতার ডায়মন্ড সিটি রে পার্থক 3টি ফ্ল্যাট রয়েছে, সেতি মধ্যরু গোটিয়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাট কেবল কুকুর মানক পাই উদ্দিষ্ট। সেইপরি অর্পিতাঙ্ক নামে মধ্যে বহু সম্পত্তি রয়েছে, তাঙ্ক মালিকানারে 6টি কোম্পানি সহিত কোটি কোটি টঙ্কা জমা রয়েছে। তদন্তরু আহুরি অধিক সম্পত্তি বাহারি পারে বলি কোয়া যাউচি। ব্যুরো রিপোর্ট, অর্গস নিউজ। এপটে ইডি কার্যানুষ্ঠান নেই নিদ হজি যাইছি বিরোধীঙ্কর। ইডি কু বিরোধ করিবাকু যাই সুপ্রিম কোর্টরে কাঠি হইছন্তি বিরোধী মানে। হেলে কংগ্রেস টিএমসি সমেত বিরোধী কু লাগিছি বড় ঝটকা। ইডির ক্ষমতা অনুসারে আইনরে থিবা বিভিন্ন ধারাকু বৈধতাকু এবে বি কায়াম রাখিছন্তি সুপ্রিম কোর্ট। মনি লন্ডরিং আক্ট এবং ইডির ক্ষমতা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টক বড় রায়। কংগ্রেস টিএমসি সমেত বিরোধীঙ্ লাগিলা বড় ঝটকা। মনি লন্ডরিং আইনে থাকা বিভিন্ন ধারার বৈধতা কায়েম রাখলে সুপ্রিমকোর্ট। রদ্দ হল ইডির ক্ষমতা নিয়ে দায়ের হয়ে যাচিকা। আগুক বড়ব কি সোনিয়া পার্থ চ্যাটার্জি ভি বড় বড়িয়া নেতা অড়ুয়া? ইডির ক্ষমতা উপরে অঙ্গুড়ি নির্দেশ করে আসুতা কংগ্রেস টিএমসি সমেত অন্য বিরোধী দলগুলো এবে সুপ্রিমকোর্টর মিছে ঝটকা। বুধবার দিন সর্বোচ্চ আদালত এক গুরুত্বপূর্ণ রায় শুনাই প্রিভেনশন অফ মনি লন্ডরিং আক্ট বা পিএমএলএ র বিভিন্ন ধারার বৈধতা উপরে মোহর লগাইছন্তি। এই আইন অনুসারে ইডি বা প্রবর্তন নির্দেশালয় দ্বারা করা যাউতবা চড়াউ, গিরফ, তলাসি, সম্পত্তি জবত যথার্থ। এর অর্থ হেরফের মামলা ও কলাধন গচ্ছিত করিথিবা অপরাধীকু ইডি গিরফ করিবা সহিত সন্দিগ্ধ স্থানরে চড়াউ, তলাসি এবং সেমানক সম্পত্তির মধ্যে জবত করি পারিব। কেবল এতিক নুয়ে সুপ্রিমকোর্ট একদা মধ্যে স্পষ্ট করিছন্তি যে অন্য অপরাধরে যেপরি অভিযুক্তকু এফআইআর কপি প্রদান করা যায় সেপরি ইসিআইআর বা এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট অভিযুক্তকু দেবা জরুরি নুয়ে। ইডি দ্বারা গিরফ বেলে কেবল গিরফর কারণ জনাই দেলে তাহা যথেষ্ট। ইসিআইআর কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি ইডির গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ দস্তাবিজ এবং এহা রাজ্য পুলিশের এফআইআর সহ তুলনীয় নুহে বলি কইছন্তি সুপ্রিমকোর্ট। কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজিওর বা সিআরপিসি রে থিবা ব্যবস্থা মধ্যে এই ক্ষেত্রে লাগু হই পারিবনি বলি স্পষ্ট করা যাইছি। জামিন ক্ষেত্রে মধ্যে আইনে থিবা ব্যবস্থাকু অনুসরণ করা যাব। কোর্ট হ্যাজ জাস্ট নাও আপহেল্ড দি পিএমএলএ এন্ড দি ইডিজ জুরিসডিকশন and the supreme court has said very clearly that they have that jurisdiction and PMLA is within the ambit of the legal ambit in which it is working. It has been upheld by supreme court and we should respect the
constitution, we should respect the law, and we should respect the law of the land. ED केंद्र सरकार को इस तरह काम करुची और यह विरोधी दल रहा नेता को टारगेट करुची बोले अभिजोक आनुचंती कांग्रेस टीएमसी समेत अन्य विरोधी दल नेशनल हेराल्ड मामला रे राहुल और सोनिया को एबे ईडी जरार सम्मुखीन होबाक पड़ुची राज्य पुलिस रो क्षमता को अपव्यवहार करि आसुतवा ममता को मंत्री पार्थ चटर्जी मध्य ईडी हेफाजत रे और अनेक कांग्रेस और अन्य विरोधी दल नेता मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे फसिछंती याकु सीबीआई थारु अधिक शक्तिशाली बोली कांग्रेस कहि आसुची। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज्यादा पावर मिली हुई है। यार क्षमता ह्रास कार्ति चिदम्बरम, अनिल देशमुख, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भाई 242 जन आवेदनकारी सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करते। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस रवि कुमार को खंडपीठ समस्त आवेदन शुणाणी कर ऐतिहासिक राय शुणाई। तो रद्द होइछि ईडी रो क्षमता को नहीं दायर होइतिबा याचिका। एबे बड़ प्रश्न आगु को बढ़िबो कि सोनिया एवं पार्थ चटर्जी को भली बड़ बड़िया को अड़ुआ एमिति हेराफेरी करथुबा अनेकंकु आगु को जाई पारे कि ईडी रो समन, जहां अपेक्षा रे एबे सारा देशवासी।